कोविड और क्लाइमेट चेंज, ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे बाइडेन की मुलाकात में और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बीच में? जी जी जी, बिल्कुल होंगे, और उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि ये मामला ऐसा है कि भारत की चिंता नहीं, सारे विश्व की चिंता है, और अमेरिका अपने आप को विश्व शक्ति कहता है, सारी दुनिया में अपना उसने इंटरेस्ट का जाल बिछा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ज़रूर बात करेंगे और कोई न कोई ठोस हल ज़रूर उसका निकलेगा, सर्वमान्य, जो कि अमेरिका को भी मान्य हो, भारत को भी मान्य हो, वो और देशों से भी मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इस मुलाकात में कौन किससे सीखेगा, भारत अमेरिका से या अमेरिका भारत से, खास तौर से कोविड मैनेजमेंट में? मेरा ख्याल है यहाँ पर सीखने की ज़्यादा कोई उम्मीद किसी को नहीं है, क्योंकि दोनों के नज़रिए इतने अलग अलग हैं। जॉन कैरी जब यहाँ पर अभी आए थे तो उनका नज़रिया ये था कि भारत को नेट ज़ीरो पर जाने के लिए और काफ़ी एफर्ट करनी चाहिए थी, और भारत ने इसके लिए थोड़ा सा जरा अपना रुख कड़ा ही अपनाया है। तो जलवायु परिवर्तन में हमारा रुख थोड़ा सा अलग है और अलग ही रहने का मेरे को अभी अंदेशा सर। लेकिन क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी है, जिसको हम सबसे प्रायोरिटी के साथ मान के चल रहे हैं। जब ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये सवाल उठाया भी था कि प्रधानमंत्री जब वहाँ जा रहे हैं तो क्या वो तालिबान को लेकर के एक स्ट्रेटजी मेकर के तौर पर निकल करके बाहर आएंगे? क्या भारत लीडरशिप के तौर पर दिखाई देगा तालिबान को लेकर? राहुल, बिल्कुल सही बात कही है आपने। ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, और सिक्योरिटी एक बहुत मेजर इशू होगा जब जो बाइडेन एंड हमारे प्रधानमंत्री जी आपस में बातचीत करेंगे, बायलैटरल बातचीत जब होगी, क्योंकि इस वक्त जो ये एरिया है मिडिल ईस्ट का, अफगानिस्तान का, और इवन साउथ चाइना सी वगैरह भी आप लें, तो काफ़ी यहाँ पर जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक पीस एंड काम होनी चाहिए, वो नहीं है। और इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ज़रूर यहाँ से पूरे तैयार होकर गए हैं, इसके बारे में डिस्कशन भी होगा। और कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कि अगर कोई जॉइंट डिक्लेरेशन होती है उसमें ऐसा ज़रूर संदेश दिया जाएगा कि जो कि सुरक्षा से रिलेटेड होगा। बिल्कुल। एक बात मैं और राहुल, अबाउट कोविड में जो विवेक जी कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है, हम लोग करीब 20 महीने से कोविड से ग्रस्त रहे और काफ़ी हम लोगों ने सफ़र किया, पूरी दुनिया ने, विश्व ने सफ़र किया। अब समय आ गया है कि जिसने ये कोविड को फैलाया है उसको बिल्कुल दुनिया के सामने हमने उसको दिखाना है, उसको नंगा करना चाहिए। नहीं, लेकिन हमको ये ज़रूर अब सोचना चाहिए, कोविड एक नेचुरल नहीं था, ये आर्टिफिशियल था, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, और इसके बारे में हर देश जो कि कुछ अस्तित्व रखता है विश्व में उसको। सर, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस देश की आप बात कर रहे हैं वो देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूरी दुनिया में अपनी इम्पोर्टेंस बना लेता है। अब वो तालिबान के साथ आया है और मजबूरी हो गई है अमेरिका को भी उसके साथ बात करने की मजबूरी में। अब हर दुनिया का देश चाहता है कि चीन से आप सीधे सीधे मत लगें। राहुल, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ऑन नैतिकता के मामले में और विश्वसनीयता के मामले में चीन बहुत नीचे पायदान पर खिसका है, और यह सही समय है इस वक्त। मैं समझता हूँ पूरा विश्व जी चीन को नहीं देखता, पूरा विश्व आज भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, द वर्ल्ड सीक्स इंडिया, और यह सही समय है कि जब हमको चीन को एक्सपोज करना चाहिए। क्या कर पाएंगे सर एक्सपोज? अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।